हेलो लोग, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले ये वाले नर्फ गन फ्लाइट CS10। अनबॉक्स ऑलरेडी हो चुका है तो चलिए परफॉर्मेंस वगैरह देखते। पहले तो हम इस गन के साथ एक मैगजीन आता है, वो बैटरी ऑपरेटेड है। इस मैगजीन में 10 बुलेट्स फिट होंगे, मैं लोग 10 बुलेट्स। और फिर हम ये बुलेट्स इस तरीके से, एक एरो आता है तो अभी हम ठीक से डाल सकते हैं एरो, तो चलिए डालते हैं। और ये गन एक्चुअली में बहुत बढ़िया भी है। तो ऐसे इधर एक बटन होता है, इसे प्रेस करके अंदर चला जाता है, एक और एक फुल रियल गन की तरह। और फिर इस गन में आप एक लेज़र या वगैरह वो चाहिए तो इधर फिट कर सकते हो, देख सकते हो ये काम कर रहे हैं। ये उसका लाइट्स है और लेज़र इधर दूर पड़ रहा है। तो ये गन मुझे इसका मोटर का आवाज़ सुनना चाहते हो, देखो भाई मोटर का आवाज़ भी बहुत बढ़िया है, एकदम रियल गन जैसा। तो अभी मैं आपको ये गन चलाने से पहले मैं एक और बात बोलना, अगर इसका कोई बुलेट स्टक हो जाता है तो इस कैप से हम देख के अंदर देख के पता चलते हैं कि बुलेट को ठीक से रख के वापस से शूटिंग कर सकते हैं। और फ्रंट की साइड इस बुलेट का वेट बहुत ज़्यादा है, ऐसे इधर वेट बहुत ज़्यादा है क्योंकि बैटरीज भी इधर है। और अब मैं आपको चला के दिखा ना, अब पकड़ना चाहते हो तो इधर से आराम से पकड़ के, तो लेज़र भी काम करता है, LED और फिर लेज़र देख ही सकती आराम से चलते। तो मैं शूट करके दिखाने वाला हूँ भाई, देखना रेडी। बहुत बढ़िया है, अगर हम चाहें तो 11 और 12 बुलेट्स भी डाल सकते हैं, बढ़िया है। ये थोड़ा टारगेट्स ऐसा लेज़र के साथ चाहते हो तो हम एम करके फिट कर सकते हैं। सो मैं ट्राई करता हूँ, अगर आपका लेज़र ठीक से है तो अच्छा टारगेट जाता है। तो पहले हम फायर करते हैं, ये लेज़र ना नीचे है, आप चाहे ये नीचे तो आप चाहते हो उसे इधर भी फिट कर सकते हैं या साइड में ऐसे एंगल में, बहुत बढ़िया दिखता है। तो मैं फायर करता हूँ, टारगेट्स को देखना बिना लेजर के फायर करता है। वो वाले अभी सो वाले अभी देख सकते हैं लोग, अब हमारा गन एकदम से स्टक हुआ था। बुलेट हम इधर ओपन करके फिक्स कर दिया। और फिर इसका गन का स्पीड भी मैं दिखाऊंगा, तो मैं फायर करता हूँ। भाई लोग मुझे लगता है कि मोटर शक होगा, मैं देखते आता हूँ। और फिर भाई लोग एक और चीज़, अगर हमने मैगजीन निकाला है और ये प्रेस किया तो ये काम नहीं करता, ये मोटर और ये ट्रिगर, तो मोटर काम नहीं करता। तो मैं वापस मैगजीन लगाता हूँ, तो ट्राई करते हैं। और आप देख सकते हो बलक बिना बुलेट के ये कैसे मैकेनिज्म काम करता है। बहुत बढ़िया है। और भाई लोग आप ये चाहते होंगे कि मैं ये सारे बुलेट एकदम कितनी तेज़ी से जा सकते हैं, तो मैं फुल स्पीड में इसे मारूंगा, कितने बुलेट्स कितने अभी आप देखना, पूरे बुलेट्स रिलोड करते हैं फिर हम देखते हैं। तो स्पीड शायद से बढ़िया होगा, तो फुल स्पीड में सारे बुलेट्स फायर करने वाले, रेडी 3 2 1। और ये क्या हुआ, और एक और प्रॉब्लम है इस गन में,
अगर हम बुलेट सिर्फ मैगजीन में रखे 1 दिन 2 दिन तो ये मैगजीन प्रॉपरली चलता नहीं है, तो आप बुलेट्स रिमूव करके रखना चाहिए, तभी तभी ये प्रॉब्लम होता है। पूरी रात ये गन मैगजीन के अंदर लोड करके रखा है इसलिए है वो। तो अब हम इसको मार के ट्राई करते हैं, इस बार काम हो जाए। तो स्पीड देखा भाई लोग, बहुत ही बढ़िया स्पीड है, तो गन बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। और इसका प्राइस सिर्फ 2000 रुपीज़ में मिल जाएगा, इसका एमलिस का प्राइस हम 2500 का कुछ में मिल जाएगा, ऑफ़र में तो 1800 में भी मिल जाएगा। तो गन मुझे अच्छा लगा, पर हम यूज़ करते समय अपने हाथ इधर रखना चाहिए वरना बहुत हेवी फील करता है। बढ़िया, आपको मैं बैटरी सेक्शन भी दिखाता हूँ। बैटरी सेक्शन का हमें हाथ इधर करके खोलना पड़ेगा, स्लाइड करके ऑप्शन आता है। एक मिनट पहले मैं खोलते देख खोल खोल के देखते हैं। तो भाई लोग मैंने इधर खोल लिया है, इधर हम 4 AA सेल्स बैटरी डालने पड़ते हैं। परफॉर्मेंस भी मैंने ये वाले सेल ट्राई किए, इसका परफॉर्मेंस बढ़िया है, इसलिए 25 सेल ट्राई करोगे तो परफॉर्मेंस भी बढ़िया आएगा। तो ही गन मेड इन चाइना नहीं है भाई लोग, वो भी देख लो भाई, साफ साफ लिखा है, इधर लिखा है, दिखता नहीं है, देखो भाई लोग इधर लिखा है मेड इन इंडिया। भाई लोग स्क्रीन के राइट साइड में आप देख सकते हो मेड इन इंडिया। तो गन बहुत ही बढ़िया है, इस पर इस गन का एक और प्रॉब्लम है, और नर्फ नर्फ गन भी इधर सिर्फ ब्लू कलर का नर्फ लिख के देखते हैं, पर ऑपोजिट साइड में ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर बहुत बढ़िया दिखता है, तो दोनों तरफ ब्लैक कलर होना चाहिए। और इधर भी फ्लाइट CS10 का ब्लू कलर है, पर इस साइड ब्लैक कलर। तो मुझे तो ये साइड गन का बहुत बढ़िया लगा, आपको किसका लगा? और लाइक करना वीडियो को, इसको गन बहुत भी बढ़िया है। अगली वीडियो हम करेंगे नर्फ अल्फा स्ट्राइक स्नाइपर की, वो वाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।